आरा नगर निगम क्षेत्र से महापौर प्रत्याशी ब्यूटी कुमारी सहयोगी ने गिरजा मोड़, पकड़ी सहित कई मोहल्लों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान वह लोगों से डोर टू डोर मिलकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं साथ में उपस्थित रहे मेयर प्रत्याशी ब्यूटी कुमारी सहयोगी के प्रतिनिधि भरत सिंह सहयोगी ने भी लोगों से ब्यूटी कुमारी सहयोगी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। ब्यूटी कुमारी सहयोगी ने कहा कि जनता का आशीर्वाद और समर्थन लगातार उन्हें प्राप्त हो रहा है। अगर उन्हें मौका मिला तो वह आरा शहर में विकास कार्य करेंगी और आरा शहर का चौमुखी विकास होगा। इसी के साथ ही मेयर प्रत्याशी ब्यूटी कुमारी सहयोगी के प्रतिनिधि भरत सिंह सहयोगी ने कहा कि जिस तरह आरा में चुनाव में जाति और धार्मिक रंग दिया जा रहा है, यह आरा की जनता कतई बर्दाश्त करने वाली नहीं है और उन लोगों को जवाब देगी। और ब्यूटी कुमारी सहयोगी को मेयर पद पर काबिज करेगी, जिससे आरा शहर का चौमुखी विकास होगा और जातिगत राजनीति तथा धार्मिक राजनीति करने वाले लोगों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। किस तरह का माहौल? बहुत जगह गए जनसंपर्क करने के लिए। मैं बहुत जगह का स्थिति बहुत खराब है। जहाँ रोड है वहाँ नाली भी नहीं है, नाली है तो रोड है, रोड है तो नाली है। इस तरह का आरा नगर निगम नरक निगम हो गया है। इसमें हमको सुधारना है, नली बनवाना है, रोड बनवाना है, बुजुर्गों के लिए बूढ़ा पेंशन बनवाना है, छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चियाँ स्कूल जा रही है, उसके लिए निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे हर वार्ड में, और शौचालय बनवाएंगे महिला के लिए। चुनौती बहुत ज़्यादा है जी, लोग बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ धन बल की भी बात तो चर्चा में है। आप अपने आप को अन्य प्रत्याशियों की तुलना में कहाँ देखती हैं? शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे लोगों और मतदाताओं से क्या अपील करिएगा? भारी से भारी मतों से विजयी बनाए सारे लोग। मेरा क्रम संख्या 14 टेबल छाप है। मैं यही अनुमति सारे नगरवासियों से करूंगी कि क्रम संख्या 14 पे टेबल छाप पे वोट दें। आपकी बहू जो है इस चुनाव मैदान में खड़ी है और लगातार जनसंपर्क आप कर रहे हैं, जनसंपर्क में क्या देखने को मिला? क्योंकि अब तो ये थोड़ा सा अलग तरीके से चुनाव होते जा रहा है। हम ये जानना चाहेंगे कि मैंने आप खोल कर नहीं बता रहे हैं पत्रकार जी कि किस तरह का चुनाव मोड़ ले रहा है, हमको स्पष्ट करिए। तो क्या ये जातिगत अब चुनाव होने जा रहा है क्या? अच्छा, आप स्पष्ट कर दिए। पहले हम तो आरा नगर वासियों को, जितने भी यहाँ हमारे नगरवासी के जो इस वार्ड के लोग जुटे हैं, मैं उनका पहले अभिनंदन करते हैं, अब मैं उनका चरण स्पर्श करते हैं। चूँकि हमारे ये मेजर राणा जी हैं, हमारे ये हमारे बड़े भाई हैं, और ये देखिए भी हमारे ये हैं, ये सब लोग हम बता दें कि क्या हम मैं बाहर से आए हैं? हम भी आज ये घर के ही हैं। तो जब हम घर के हैं, आज जहाँ जातिगत हवा लोग दे रहा है, तो पूरे जात मेरे साथ है, पूरे जात मेरे साथ है, और जात के साथ साथ मेरे साथ जमात भी है। तो जहाँ जात और जमात है, वहाँ किसी को चमकाने से ये लोग हिलने वाला नहीं है। अगर ये लोग से आप ले लीजिए, अगर ये लोग कहते हैं कि भरत सिंह सहयोगी आप किनार हो जाइए, मत लड़िए, हम इन लोगों के स्वेच्छा से राय से हमने लड़ा है और इन लोगों का आशीर्वाद हमने ले लिया है, तब इस मैदान में ब्यूटी कुमारी सहयोगी को हमने उतारा है। ये मेजर राणा सिंह है, जयराम बाबू है, ये भी एक राजपूत जाति के हैं, एक ऐसे राजपूत जाति से आते हैं जिनका एक इतिहास है। तो हम उनसे आप ले सकते हैं कि वो हमारे समर्थन में है या नहीं है। राणा सिंह, मेजर क्या लगता है कि इतने लोगों के बीच ब्यूटी सहयोगी कहाँ है? अब इनसे पूछिए, ये लोग हमको खड़ा किया है, हम नहीं खड़ा हुए हैं, ये लोग सारा राजपूत जाति है, सारा जमात ये लोग मिलकर ये ब्यूटी सहयोगी को लोग खड़ा किया है। ये अगर हारेगी तो राजपूत समाज का इज्जत जाएगा, पूरे जमात का इज्जत जाएगा, मेरा इज्जत कुछ नहीं है, हम तो एक सेवक है। इसलिए इन लोगों से पूछा जाए कि ये लोग हमको खड़ा किए हैं, ये हमारे जयराम बाबू हैं। अगर आप तो जानते हैं कि मेरा कैडर वोट जो है भोजपुरिया मोर्चा जरा जाती है ना पार्टी है, वो तो भोजपुरिया माटी है। तो आज लोग नए नए चमका रहे हैं कि हम राजपूत के नेता है, उनको राजपूत का कुरी मालूम होगा कि राजपूत का कुरी कितना है। अगर वो बता दें तब उसी दिन से राजनीति छोड़ देंगे, उसी दिन से जो राजपूत के नाम पर वोट लेना चाहते हैं। अब तक जिंदाबाद, जिंदाबाद, प्रॉपर्टी डीलर जिंदाबाद, अभी तक
प्रॉपर्टी डीलर का काम किया है, वो लोग राजपूत या कम से कम कितने राजपूत में कुड़ी होता है वो लोग बता दे। वो लोग को जो राजपूत का कुड़ी नहीं मालूम है वो राजपूत का संज्ञा दे रहे हैं। हम ये उन लोगों से जानना चाहते हैं, लेकिन चमकाने वाले लोग चमका रहा है। जाति के साथ साथ यहाँ धर्म की भी धार्मिक रंग भी दिया जा रहा है। देखिए धार्मिक रंग देकर और एक बार चमकाए थे प्रेम पंकज, आपको याद होगा, लेकिन आज जितना भी था उनका हकीकत लोग जान गया है कि ये ढोंगी है, ये कब कब चमका देंगे भाजपा के वोट के लेने के लिए कोई नहीं जानता है। हमारे साथ धर्म के लोग, भूतिया मोर्चा क्या है, एक बहुत धर्म का मोर्चा है, इससे बड़ा धर्म क्या होगा। चलिए ठीक है, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया कि जात की हो रही है, अब जब आप लोग बोल रहे हैं तो हो सकता है, लेकिन जो ब्यूटी कुमारी है कर्मठ उम्मीदवार है और जीतना चाहिए इनको, हमारा आशा नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि जीतेगी, बस इतना ही कहना चाहिए। ये हमारे मेजर साहब हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सर बताया जाए। मैं यही बोलूँगा कि हम उनको जानते हैं, एक जमीनी नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, हर भाई कोई जात अत नहीं, हर आदमी जो भी इनको जहाँ ढूंढा है, चाहे जिस भी तबके का लोग हैं उनके साथ खड़ा मिले हैं, तो शायद ऐसा जमीनी नेता हमको नहीं मिलेगा।